बचपन से लेके हमें हर चीज़ में मिठास चाहिए, चाहे फिर वो चाय हो, कॉफ़ी हो या फिर लोग हो। लेकिन हम नहीं जानते कि वो मिठास आती कहाँ से। उसी को जानने के लिए आज हमारी विजिट है मटियारी शुगर मिल में। सुबह की विजिट थी। सर्दियों में उठना तो सबके लिए मसला होता है। खैर, उठ के तैयार हुए, शर्ट, जैकेट, वॉच, शूज़ और बस फिर मैं रेडी। निकले घर से, गाड़ी में बैठकर थोड़ी देर इंतज़ार किया और फिर अपने सफ़र का किया आगाज़। थोड़ी देर सफ़र करने के बाद पहुँचे अपनी मंजिल पर, यानी मटियारी शुगर मिल। गेट पर खड़े होकर थोड़ा फ्रेश हुए और चल दिए अंदर। पहली पिक तो एंट्री के वक्त ही होनी चाहिए। अपने अपने कार्ड्स पहने और बढ़ दिए आगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पूरी शुगर मिल। थोड़ा सा आगे बढ़े तो इंजीनियर शेर मोहम्मद की तरफ से हमें रिसीव किया गया। यहाँ सबसे पहले गन्ने की चेकिंग हो रही थी, यानी कि क्वालिटी चेक हो रही थी कि क्वालिटी कैसी है, और उसके बाद कैरियर के थ्रू मिल के अंदर गन्नों को लाया जाता है और अंदर इसका इस्तकबाल किया जाता है क्रेशर से, जिसको फर्स्ट मिल भी कहा जाता है, जो गन्नों को क्रेश करके बारीक हिस्सों में तब्दील कर देती है। फर्स्ट मिल से गुजरने के बाद गन्ने बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, जिनको फिर ऊपर ले जाया जाता है और वहाँ सेकंड मिल से उस नरम गन्नों को मज़ीद गुजारा जाता है, जहाँ इसका जूस भी निकलता है और मज़ीद बचने वाले गन्नों को थर्ड यानी कि फाइनल मिल में लाया जाता है, जहाँ इसको मज़ीद क्रेश करके इसका मज़ीद जूस निकाला जाता है। गैर इस्तेमाल शुदा प्रोडक्ट्स को मज़ीद इस्तेमाल में लाने के लिए कुछ मशीनरी से गुजारने के बाद अलग किया जाता है। हम आते हैं अपने मेन मौजू की तरफ कि शक्कर कैसे बनती है। तो जो जूस निकला था उसको मज़ीद साफ़ किया जाता है, उसे नाकाबिले इस्तेमाल चीज़ों को अलग किया जाता है, जिसके बाद हमारी ब्राउन शुगर तैयार हो जाती है, जिसको हम सब ने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट था। आर्डर के तौर पर तैयार की जाती है। उससे हमें निकलने वाला एक बाय प्रोडक्ट बताया गया, जिससे अल्कोहल बनाई जाती है। इसके बाद इसी ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया जाता है वाइट शुगर बनाने के लिए, जिसको मुख्तलिफ इवापोरेटर्स में लिया जाता है। अब इवापोरेटर का काम यह होता है कि ये जो ब्राउन शुगर होती है उसको उबाले। उबालने से जो पानी होता है, जो ज़्यादा इजाफी पानी होता है, वो वाटर वेपर्स की सूरत में, यानी कि हवा में मिल जाता है, धुएँ की सूरत में हवा में मिल जाता है, जिसके बाद पीछे जो हमारा बच जाता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में वाइट शुगर होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लीट होती है। नीचे आने के बाद हमें नज़र आती है आग। ये वो आग है जो कुछ लोगों को जलाने के लिए, अरे नहीं नहीं, ये तो ब्राउन शुगर को उबालने के लिए इस्तेमाल होती है। आखिर में एक और इजाफी प्रोडक्ट, जिसको फर्टिलाइज़र्स भी कहा जाता है, वो हमें मिलता है और वो फर्टिलाइज़र स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि जब हमारी शुगर मिल को हमें 12 महीनों चलाना होता है तो फिर यही फर्टिलाइज़र्स बाद में शुगर मिल को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। जिसके बाद हम जाते हैं पावर हाउस। अब पावर हाउस में क्या होता है, ये वो पावर हाउस है जो पूरी शुगर मिल को चलाने के लिए काम आता है। पावर हाउस से पूरी शुगर मिल में जितनी भी मशीनरी यूज़ होती है उनको पावर दिया जाता है और फिर उस पावर को मैनेज किया जाता है कि किस मशीन को कितना पावर देना है। कहीं एक्स्ट्रा या कम पावर देने की सूरत में मशीन ख़राब भी हो जाती है और उस ख़राबी से बचने के लिए यह पावर हाउस बहुत ही ज़्यादा कारामद होता है। और जिसके बाद तो हमारी वाइट शुगर बिल्कुल तैयार हो गई थी। जिसको ने टेस्ट किया वो इतनी ताज़ा और इतनी खस्ता थी, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था उसका। जिसके बाद हम उनकी पैकिंग चेक करने के लिए पहुंच के उनके पैकिंग एरिया पर, और उनकी पैकिंग बहुत ही अच्छे अंदाज में की जा रही थी। हमारी मिल को विज़िट करने के बाद हमारी मेहमान नवाजी की गई और हमने हाथ वगैरह धो के अपने आप को थोड़ा सा रेडी किया, फिर बिरयानी के मज़े लिए। और ये वो लड़का है जो मेरी तरह घर में हाथ से खाता है और यहाँ इसको कांटों और चम्मच से खाना पड़ गया। जिसके बाद हमें गन्ने का जूस प्रोवाइड किया गया और वो बहुत ही ताज़ा और फ्रेश गन्नों से बनाया गया था, बट मैं तो वैसे भी नहीं पीता तो मैंने वो भी खैरात कर दिया। और एंड में फ़ोटो सेशन हुआ, जिसके बाद
हमारी जनरल मैनेजर से मुलाकात थी तो हम लॉन्च में पहुंचे जहां ऑलरेडी सेटअप हुआ पड़ा था। हम अपनी अपनी चेयर्स पर बैठे और जनरल मैनेजर का इंतज़ार किया, लेकिन हमारे जनरल मैनेजर साहब ने थोड़ा भी इंतज़ार नहीं करवाया। बहुत अच्छे तरीके से मिले, बहुत ही सादगी से, बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी का मालिक सर जुनेद अकबर शाह साहब से हमारी मुलाकात हुई, जिसके बाद हम एक साथ बैठे, बहुत सारी बातें की, एक यादगार बैठक जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और उसके बाद हमने वहाँ की स्ट्रीट लाइब्रेरी विज़िट की। शुगर मिल अंदर से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, जहाँ लाइब्रेरी से लेकर मस्जिद और गार्डन से लेकर पार्क हर चीज़ मौजूद है, जिसको बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। लाइब्रेरी में मौजूद बहुत सारी काम की बुक्स मौजूद थी, लेकिन वक्त ना होने की वजह से हम पढ़ नहीं पाए। शुगर मिल मटियारी की खूबसूरती ही उसकी अहमियत को बता देती है। के बाद हम वहां से बाहर निकले और कदम बढ़ा दिए वापसी की तरफ। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।